आपकी सपना, अगर आपकी गोल साक्षात्कार करना है मरने से पहले, इस इंडस्ट्री के अलावा कोई इंडस्ट्री नहीं है। तैयार हो? यस। पक्का? यस। तो कोई भी चीज समझने के लिए तीन चीज समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है, ये क्यों करना है, ये कैसे करना है। हाउ सेक्शन आपको बहुत भयंकर तरीके से, मेरा भाई, मेरा गुरु, क्या बोलूं उसको, मैं उससे बहुत इंस्पायर्ड आदमी हूं। ये डायमंड का 100% बोले क्रेडिट गोज टू द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड, मैं उसको मानता हूं, मिस्टर किशोर आहिरे। आपको समझाया ना कैसे काम करना, मेरा काम है ये वाट और वाई समझाना। ये तीनों चीज मिल गई तो आप डायमंड, ठीक है? yes. आगे बढ़ो। yes. तो मुझे भी नींद आ रहा है, क्लबिंग ग्लोबिंग की क्या करो। अब सुनो, यहां से मेरा कहानी शुरू है। आपको भी यही होगा, मैंने पूरा ट्रेनिंग में मुमिन जी का चार्ज हो गया, हेलो यार, और गोल सेटिंग किया, साफ किया, शुरू की बात कर रहा हूं। मैंने फील्ड में गया, लिस्ट बनाया, फील्ड में गया, लोगों से मिला, और सब लोग मुझे यही समझाया, श्रीजन ये मत करो, तुम करेगा तो जेल जाएगा, पेंशन भी नहीं मिलेगा, हेलो, और टाई लगा के तू अच्छा खासा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, टाई लगा के कफ सिरप बेचेगा, हेलो, तुम भी फंस गए, अच्छा खासा खानदान में पैदा हुआ, ये सब काम तुम्हारे है, और मैं पूरी मोटिवेटेड हो गया, कैसे डीमोटिवेटेड हो गया। तो मैंने भी मोबाइल स्विच ऑफ किया, जैसे आप लोगों ने शुरू में किए थे, और मुबिन जी का फोन बार बार आ रहा था, उसमें एक ही शब्द इसको सुनाई दे रहा था, ये नंबर अभी उपलब्ध नहीं है। ये भी कल अगर आप और मुबिन जी मेरा घर पर आ गया, मैं दूर से देखा, तो मैंने वाइफ को बोला, उनको बोलो मैं नहीं हूं। क्यों सर, किससे भी मिला ना, सबने उल्टा सलाह दिया मुझे। तो मैंने अपने आप को कन्विंस किया है, एयरफोर्स में जॉब है, क्या करने का, मुबिन जी तो कमा लिया होगा, पाले आया कमा लिया, और उनको खाने, तो मैंने भी बीबी को बोलते नहीं है, तो वाइफ में सीधे जाके उससे झूठ बोला, बोला घर पर नहीं है वो भी बेशरम आदमी, वो भी बोलता कोई बात नहीं भाभी, थोड़ी देर चाय पी के मैं चले जाऊंगा, बैठ ही गयो। वो भी एक ही कमरा है, सरकार का क्वार्टर सोचो, एक कमरा हॉल, आधा घंटा हुआ ये नहीं जा रहा, मेरे को तो टॉयलेट भी जाना है, क्योंकि कॉमन टॉयलेट है आप समझो। ये जा ही नहीं रहे बेशरमा, पौने घंटा कंट्रोल मेरा बाहर गया, मैं निकल के आया, मैं बोला नमस्कार जी, अस्सलाम वालेकुम, बोला वालेकुम अस्सलाम, मैं बोला श्रीजन जी आपको झूठ बोलना भी नहीं आता, और बाबी की तो बिल्कुल नहीं आता। बोला क्यों, आपकी चप्पल बाहर है, टीवी समुराय बाहर है, ये दोनों के बिना आप कहीं जाता ही नहीं। मर गया। बोले श्रीजन जी क्यों बंद किया मोबाइल, तो बोले सर रहने दो, मेरे से होगा नहीं है सर, सब आप नहीं ये मना कर देते, आप रहो इंशाल्लाह, आप आगे बैठते रहिए बस। देखिए मुबिन जी ने मेरा माइंड कैसे बदला। तो मुबिन जी ने पूछा कौन, तो मैं बोला कौन नहीं है, ये देखो, पूरी खानदान वाला किसके खिलाफ है, सबसे पहले मेरा बीबी, बोलता उसका चक्कर में मत आओ, क्योंकि मैं चार जो घर में जाकर बोल दिया ना, मैं नौकरी भी छोड़ूंगा, जिस
दिन से मैंने ऐसा बोला ना सर, मेरा वाइफ ही माने बोलते थे, करोड़पति का टाई दे, आखिरी रोटी खाओ। सो मोटिवेशन मिलता है आपको, फिर इस आदमी का मोबाइल स्विच ऑफ करेगा नहीं करेगा, क्योंकि इससे मिलेगा तो ये चार्ज बढ़ता है। हेलो। और जब मैं लव मैरिज किया था, मेरा फादर और मेरा वाइफ में झगड़ा था, क्योंकि उठा के लेके गया था ना। जब मैंने ये बात बोला मैं नौकरी छोड़ के इसको करियर बनाऊंगा, तो ये दोनों मिल गया। तो उस मेरा बापू उसको समझा रहे, बोला ये बचपन से पागल था इसलिए मैं तेरे को समझा रहा था, इसके साथ मत भागो। अभी क्या बोलता मालूम है बापू, ये बचपन से बहुत टैलेंटेड था। ये बचपन में खिलौना खरीदते थे, खिलौना चलाता नहीं था, उसके टेक्निक को समझते थे, झूठ बोलता है। मोबिन जी ने मेरे से पूछा, श्रीजन जी आपका फैमिली में कितना डायमंड है? मैंने बोला सर एक भी नहीं है, सब मेरा सैलरी से जीता हूं। अच्छा फिर कौन बोलता? मैं सर कोई भी दोस्त को आज तक नहीं बोला श्रीजन ये बिजनेस अच्छा है करो। बोला उसमें से कितने लोगों के पास मर्सिडीज है? मर्सिडीज क्या, मेरा ही बाइक उधार में चलता है। फिर मेरे से पूछा श्रीजन जी कौन कौन? मैं बोले सर रहने दो, इस दुनिया में एक भी आदमी आज तक नहीं मिला सर ये अच्छी काम। अच्छा तो मैं एक चीज बताऊं श्रीजन जी? बोला बोलो। क्योंकि कोई भी काम करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को नहीं मालूम सर। तो उसने बोला सलाह उन्हीं लोगों से लेना चाहिए जिस काम में उस काम में सक्सेस किया हुआ लोगों को लेना चाहिए, या चलते फिरते सबका लेना चाहिए। मेरा दिमाग खुल गया, बात सही है, क्योंकि उससे एक हफ्ता पहले मेरे साथ ट्रेजेडी हुआ, वो भी सुनो। मेरा ना उंगली ने ना स्वेलिंग टाइप आया, मेरे कसिन का चाय का दुकान है उधर बड़ौदा में, मैं उधर गया तो उसने बोला ये सीजन क्या है तेरे हाथ में? तो मैंने बोला देख पता नहीं यार दो दिन से सिलिंग है, तू एक काम कर। उसने मेरे को क्या सलाह दिया मालूम है? बोलता पान की गल्ला जाओ चुन्ना लगवा दो। तो मैंने चुन्ना लगाया, हेलो। तो घर गया, तो घर में गया तो नेक्स्ट डे सुबह ये उंगली बढ़ गया, हेलो मोटा हो गया। तो मैं सुबह मेरे पास एक पग है वो लेके सुबह मैं निकलता था मार्केट ऐसा उंगली ऊपर, समझो थोड़ा कॉमेडी में हो। उंगली ऐसा कुत्ता है हाथ में, हेलो भूल गया रे इसको। तो एक बंदा मेरे पड़ोसी था, उसने पूछा श्रीजन जी क्या हुआ? बोले ये सुन गया, देखो अभी कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, घर जाओ नींबू पड़ा है। मैं बोला नींबू बहुत है, एक नींबू काट के साइड से इसका अंदर घुसा। अभी मैंने नींबू भी लगा दिया, हेलो समझा कर यार, आपको तो हंसी आ रही है मेरी हालत है। और रात को सो गया मैं, सुबह देखा तो नींबू भी नहीं निकल रहा। मैं गया मेरा फैमिली डॉक्टर के पास, थोड़ा विजुलाइज करो नींबू ऊपर हाथ ऐसा, तो आइयर आइयर सर उसकी नेश को बोलता है देखो नींबू चल के यार। मैं बोला सर मजा किया करो, मेरी हालत देखो ये भी नहीं निकल रहा है, उंगली बड़ी बड़ी भी गया। बोला अच्छा हुआ अभी आया, आधा घंटा एक दिन और हो गया तो ये उंगली काट के नींबू निकालना पड़ता। तो जब मोबिन ये समझा रहा था मेरे दिमाग में बैठ गया, गलत आदमी से गलत सलाह लिया मैंने। और जिस दिन ये स्वेलिंग था सीधे मैंने आईआर के पास गया तो ऑइंटमेंट में ठीक होता है। हम ज्यादातर लोग क्या करता है, हम एक्सपर्ट की बात नहीं सुनता, चुन्नू मुन्नू आदमी जो भी सलाह देता सो मत करो, नहीं करूंगा। अरे भाई साहब आप उन्हीं लोगों से सलाह ले जिस फील्ड में वो ऑलरेडी सक्सेस हो। ड्राइविंग उन्हीं लोगों से सीखो जिसको ड्राइविंग आता है, जिसको आता नहीं है तो हालत क्या होगा। हम इस काम में किसी एक्सपर्ट को नहीं सुनता, नेटवर्क मार्केटिंग सबसे पहले। आज आपको निर्णय लेना है
ये बिजनेस करना है तो बिजनेस करना है तो एक कोच का भी जरूरत है. दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट. विराट कोहली, विराट कोहली ऐसा नहीं बना, देर इज वन कोच. सचिन ऐसा नहीं बना, देर इज वन कोच. और हर फील्ड में आपका गुरु होना बहुत जरूरी है. इट मे बी स्पिरिचुअल, इट मे बी प्रोफेशनल, इट मे बी फिनेंस. हम किसी का नहीं सुनता. मेरा फंड मैनेजर है, आई गोट फिनेंशियल एडवाइजर. उनका बात सुन के उनका साथ में बैठता हूं गोल सेटिंग के लिए. आने वाला 10 साल में मुझे 1500, 150, 200 करोड़ जो भी हो मेरा टारगेट, और उनकी कहने पर मैं जाता हूं और किसी के नहीं सुनता हूं. ये इन लोगों को कौन कौन पकड़ता मालूम है? रास्ता में कोई भी इंश्योरेंस वाला भागता है ना, वो सब इनके घर में आता है. जिसकी एक्सपर्ट नहीं है ना, उसके घर में कोई भी आदमी घुस के जाता है. हमारे घर में नहीं है. और मुझे पता ही नहीं म्यूचुअल फंड क्या है, मुझे पता ही नहीं टेम प्लान क्या है. बट आई एम ब्लस्ड विथ एवरीथिंग. आज के दिन में आपको मैं चैलेंज करता हूं, जितनी म्यूचुअल फंड मेरे इस साल में बैठा नहीं, आई गॉट 2.25 करोड़ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट. दैट इज टारगेट फॉर 200 करोड़ फॉर 10 ईयर्स. सब मेरा एडवाइजर है, क्योंकि ये मुबिन ने मेरे दिमाग में डाल दिया. जो भी फील्ड में आपको कामयाब होने के लिए, उस फील्ड में कामयाबी किया हुआ लोगों को सलाह लेना बहुत जरूरी है. तो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे यू मस्ट एडमिट ए गुरु इन नेटवर्क मार्केटिंग. एक गुरु आपको आज ढूंढ के निकालना है, क्योंकि इस बिजनेस में जो स्पॉन्सर करता है वो स्पॉन्सर है, मगर गुरु वो नहीं है. गुरु वो है जो लगातार सक्सेस में उसी लाइन में जा रहे हैं, उनसे आपको सलाह लेना पड़ेगा. तैयार हो? यस. नंबर वन गन क्लियर? यस. क्लियर? यस. आज के बाद किसी का भी सुनेगा नहीं? हेलो. नो. सुनेगा तो मरेगा कौन? खुद खुद मरेगा. अगर अपलाइन का सुनेगा, एक्सपर्ट का सुनेगा तो मरेगा कौन? खुद. मैं क्यों ना सुना यार उसकी, यार उस जिस दिन से मैंने उसको गुरु माना, मेरा लाइफ में कोई तकलीफ हुआ है क्या? वो भी डायमंड है, मुझे भी डायमंड बना के छोड़ा है. हेलो. तो मैं क्यों पीएचडी करूं? आज के दिन भी अभी मेरे को बोले मेरा अपलाइन, श्रीजन जी लंदन आ जाओ. मैं ये नहीं पूछूंगा क्यों आओ, मुझे मालूम है मेरे लिए कुछ रखा होगा इसलिए बुला रहे. ब्लाइंड फेथ ऑन योर अपलाइन. समझ में आए तो बोलो हाय. हाय. नहीं आए तो भी बोलो हाय. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है. क्योंकि कल मैं आया दूसरा गाड़ी में, मैं भी तो रोल्स रॉयल्स में बैठना चाहता हूँ जयपुर में. तभी तो जयपुर घूमते हुए बोलेंगे ना कोई राजा आया. हेलो. वो तो आपको ही दिलाना पड़ेगा ना. हेलो. समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ो. पक्का? आगे बढ़ो. यस. नहीं, नहीं yes! आगे बढ़ो.